जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की मैंने आपको 2 घंटे की एक वीडियो दी थी, ये सुनो। अब जिन बच्चों में पेशेंस है, जिन बच्चों को एक्चुअली में वो चैप्टर समझना था, उन बच्चों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। 1.5 पे देखी होगी या 2x पे देखी होगी, लेकिन जरूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपके DRR के कॉन्सेप्ट्स कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, कितना परसेंटेज बनाना होता है और कब बनाना होता है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने करा था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, DRI जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, कौन सी कंपनीज को बनाना है, ये डिस्कस नहीं किया अभी हमने, लेकिन कितना बनाना होता है, ये सुनो, उसकी डेट क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको वहां पे बताई थी। हमने रिडेम्पशन की जर्नल एंट्रीज को भी समझा था, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो चेक कर लेना। 1.5 पे देखो, 2x पे देखो, लेकिन देख लो रिडेम्पशन, क्योंकि एक नया चैप्टर है और उससे MCQs आने हैं, तो करना चाहिए, है ना, छोड़ना नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूँ, MCQs भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपको कवर तो करना पड़ेगा दोस्त, राइट। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कौन सी कंपनीज को DRR बनाना होता है और कौन सी कंपनी को DRI नहीं बनाना होता है। मतलब सर, DRR कितना बनाना है, कब बनाना है, डन हो चुका है, समझ चुके हम। DRI इन्वेस्टमेंट वाला कब बनाना है, कितना बनाना है, ये भी समझ चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल समझ चुके हैं, लेकिन किसको बनाना है, क्या सारी कंपनीज को बनाना है, ये अभी हमारा समझना बाकी है, जो हम आज की क्लास में समझेंगे। और ये जो टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जब इसके MCQs कराऊंगा, या आपने अपने बुक से कुछ MCQs देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको कंपनी का नेम गिवन होता है, ये सुनो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर रिलायंस लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अगर आपने MCQs देखे हैं, और वहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि किन कंपनीज के लिए DRR बनाने की रिक्वायरमेंट है और किन कंपनीज के लिए नहीं है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, बेशक आपको लिमिट्स पता हो या ना पता हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोल सकता हूँ कि यही है कि कौन सी कंपनीज को बनाना है, कौन सी कंपनीज को नहीं बनाना है। और इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं कोशिश करने वाला हूँ, मैं ऑफ कोर्स एक प्रॉपर आपके पास एक समराइज तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई इसको किस तरीके से आपको याद करना है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, तो आप फटाफट से समझते हैं। सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि DRR, ठीक है, किन कंपनीज को बनाना है और किन कंपनीज को नहीं बनाना है। सिमिलरली DRI, किन कंपनीज को बनाना है और किन कंपनीज को नहीं बनाना है। तो सबसे पहले एक कंपनी आती है, या कंपनी नहीं बोलूंगा, एक इंस्टीट्यूशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो ध्यान से, यहां पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, और मजे की बात है कि ज्यादा मीनिंग अभी जानने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ऑल राइट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यस सर, यस। और इसको हम बोलते हैं AIFI, राइट सर, ठीक है, रेगुलेटेड बाय RBI, रेगुलेटेड बाय RBI, हाँ जी। क्या यही आपके NCERT में गिवन है, हाँ जी बिल्कुल यही, NCERT मैंने पूरी कवर करवा दी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI, मतलब कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको हमने किसका कैटेगराइजेशन दिया है, AIFI का। सर जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जैसे नबार्ड है, सुना होगा आपने नाम, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, है ना, नबार्ड आपका हो गया, हाँ जी, एग्जिम बैंक हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ आपके बैंक्स हैं, है ना, कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब क्या आपको ये नाम याद करने हैं कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि दिस इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सर ना तो DRR बनाना है और ना ही DRI, अरे हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आता है, क्या आता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो कुछ नहीं बनाना, नहीं, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि इनके पास तो खुद पैसा है, ये तो पैसा आपको देते हैं है ना, अरे ये तो पैसा देते हैं, ये तो लोन देते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले से सेव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस क्योंकि ये रेगुलेटेड बाय RBI होते हैं, तो RBI ने ऑलरेडी बहुत सारे सर अपने प्रोविजंस लगा रखे होते हैं, बहुत सारी लिमिट्स पहले से इन पे लगा रखी होती है, ये रेगुलेट करते हैं कि इनके पास सफिशियंट पैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो यहाँ पे DRR और DRI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर सेकेंड कैटेगराइजेशन
कैटेगराइजेशन आपकी आती है बैंकिंग कंपनीज की। अब बैंकिंग कंपनीज आपको पता ही है, हाँ जी, अगेन क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, आपको इनके नाम नहीं याद करने हैं कि बैंकिंग कंपनीज कौन सी होती है या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है। नहीं सर, बैंकिंग कंपनी के लिए भी DRR DRI कुछ नहीं। बैंकिंग कंपनी आपको पता है SBI लिमिटेड, हाँ जी बिल्कुल, क्या ये बैंकिंग कंपनी है? हाँ जी राइट, जो आपके बैंक्स होते हैं, अगेन पैसा ही पैसा है यार, काहे का DRR, काहे का DRI, जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं राइट, ना तो DRR की जरूरत है और ना ही DRI की जरूरत है, एब्सोल्युटली यस, हाँ है ना, बिल्कुल सही, ठीक है सर। इसके बाद आता है आपका थर्ड, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही, आराम से बैठ के आपको सुनना है थोड़ी देर के लिए राइट, आपको सब कुछ मैं आपको समराइज कर दूंगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो विद इन द मीनिंग ऑफ, जो प्रॉपरली लिखा हुआ है वो आपको समझा रहा हूँ, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272। आपको लगेगा कि क्या है ये बेटा, कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, विद इन द मीनिंग ऑफ, हाँ जी, सेक्शन राइट 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर ये क्या बकवास है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, बेसिकली वो आपको क्या बोल रहा है, आपने ऊपर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर कर लिए, हाँ जी बैंकिंग कंपनीज हो गई, और बाकी अगर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, जो वो पैसे लेंड करते हैं, बिल्कुल, देखो बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या बैंक जो है ना वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करती है, हाँ जी, ऑन डिमांड आपको पैसे वापस भी कर देती है, जैसे आपका बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन होता है, वहां पे आप पैसे जमा करते हो, जब चाहे निकाल लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको पैसे देते हैं या फिर आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। एक होता है बेटा क्या, डिमांड डिपॉजिट्स करके, है ना, सेविंग अकाउंट वाला, कि पैसे जब मर्जी डाल सकते हो, जब मर्जी निकाल सकते हो, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटा सबका काम सेम होता है, पैसे लेना पैसे देना, हाँ, उससे ज्यादा आपको जानने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है सर। तो इसके लिए भी क्या है सर, इसके लिए भी क्रॉस है, अरे हाँ जी बिल्कुल। तो अभी जो मैंने आपको तीन चीजें बताई है, उसको अगर मैं समराइज करूं तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई जरूरत नहीं है, बैंकिंग कंपनीज नहीं, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जरूरत नहीं है। तो बैंकिंग हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, DRR और DRI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छा ठीक है। इसके बाद एक कैटेगराइजेशन आती है किसकी सर, लिस्टेड कंपनीज। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस करने में आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। देखो लिस्टेड कंपनीज का मतलब सबको पता होना चाहिए, हाँ जी, जो पब्लिक कंपनीज होती है और जो क्या करती है सर, पब्लिक से, पब्लिक को जो शेयर्स एक्सेप्ट करती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, आपको पता होगा ना NSE BSE पे, जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर आप जब भी खरीद सकते हो, टाटा का कभी भी खरीद सकते हो, हाँ ये लिस्टेड कंपनीज होती है। हाँ अब लिस्टेड कंपनीज में कुछ कैटेगराइजेशन है, लिस्टेड कंपनी NBFC हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, HFC हो सकती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, या फिर अदर लिस्टेड कंपनी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से समराइज कर दूंगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हो गया, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, हाँ जी, पब्लिक कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसे लेती है, बिल्कुल सही। NBFC हो सकती है, देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब वो सेम होता है, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। देखो बैंकिंग का लाइसेंस होने का मतलब होता है कि RBI से आपको लाइसेंस मिला है, हाँ। अब आप एक बैंक हो और बैंक के सारे फंक्शंस आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस बैंक और नॉन बैंकिंग में सर इतना सा ही होता है कि बैंक जो है ना वो पब्लिक का डिपॉजिट रखता भी है, पब्लिक जब चाहे उसको निकाल भी सकती है, ये NBFCs में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो बैंक नहीं है, तो बस ये आपको पैसे दे सकते हैं, हाँ जी, आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगेन क्या आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, नहीं सर, क्वेश्चंस करने के लिए आपको मेंशनड होगा कि ये लिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड NBFC है, ये लिस्टेड HFC है या क्या है। और मजे की बात क्या है सर, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनको DRR बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इन सबको DRI बनाना है, मतलब देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जितनी भी लिस्टेड हैं, हाँ, इनके पास पैसा बहुत होता है। किस तरीके से याद करना है, इनके पास पैसा बहुत होता है, इनको सेविंग्स वगैरह करने की ऐसी जरूरत नहीं है, इनको अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है DRR में, नहीं, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है, हाँ, तो ये मन मर्जियां खर्चा करते हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं प्रमोशन में, मार्केटिंग में, हाँ, तो जरूरी है
कि इनके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसका 15% आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, किसमें, अपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, जिसको हमने क्या बोला, DRI। तो किस तरीके से सोचना है, देखो ध्यान से रिवाइज करेंगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो DRI ना DRI, ठीक है सर। बैंकिंग कंपनीज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिस्टेड कंपनी कोई भी हो, एनी लिस्टेड कंपनी, NBFC हो, HFC हो, कोई भी कंपनी हो, DRR नहीं बनाना, DRI सबको बनाना है, एज सिंपल एज दैट। क्या कोई दिक्कत होने वाली है? नहीं। और उसके बाद आते हैं सर लास्ट कैटेगराइजेशन पे, क्या है सर वो, सॉरी अनलिस्टेड कंपनीज। सर क्या बचा? अनलिस्टेड कंपनीज, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अनलिस्टेड कंपनीज। हाँ जी सर, अनलिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, ऑब्वियसली बात है। अच्छा ठीक है सर, अनलिस्टेड कंपनी, अगेन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो सर, लिस्टेड कंपनी के ब्रैकेट में पता क्या लिखा होता है, अदर देन। हाँ जी, जो हमने ऊपर तीन चीजें डिस्कस करी है, अदर देन अबव थ्री कैटेगराइजेशन, सुनो सुनो सुनो, अदर देन अबव थ्री मतलब अगर आपको बोला जाए कि कोई बैंकिंग कंपनी है जो लिस्टेड है, अब सुनेंगे ध्यान से सर, कोई बैंकिंग कंपनी जो लिस्टेड है, अब मुझे एक बात बताओ सर, बैंकिंग कंपनी है लिस्टेड है तो क्या उसको DRI बनाना है? सर नहीं, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए पहले से ही क्या बोल दिया है कि आपको कुछ भी नहीं बनाना। तो इसका मतलब ये जो तीन आपकी इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, जो भी है, हाँ सर, ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने कि सर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेशक लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो DRR ना DRI। अच्छा, बैंकिंग कंपनीज लिस्टेड अनलिस्टेड कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ, बात समझ में आई? इसलिए क्या लिखा होता है, लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंकिंग कंपनीज अदर देन दिस, क्योंकि सर इनका तो फिक्स है कि इनको नहीं बनाना कुछ भी नहीं, इसके अलावा जो आपके लिस्टेड कंपनीज होती है इनके लिए रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, सिमिलरली अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी यही लिखा होता है, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, उनसे फर्क नहीं पड़ता भाई कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ठीक है सर, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अनलिस्टेड कंपनी में भी मैंने सेम कैटेगराइजेशन करी क्या? सर NBFC जो है वो अनलिस्टेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। जो आपका HFC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हो सकती है, या अदर लिस्टेड कंपनी। अब देखो, अगर आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। हाँ जी, लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, वो मेंशन करेंगे क्या कि दिस इज अनलिस्टेड HFC, अनलिस्टेड NBFC। हाँ जी बिल्कुल लिखा होगा, मैं आपको MCQ करवाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, हाँ, जो अदर अनलिस्टेड है सर, इसी को बनाना होता है DRR और DRI दोनों। ओ, सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जिसको DRR बनाना होता है, एंड दैट इज अदर अनलिस्टेड कंपनी। ओके, इसके अलावा किसी को नहीं बनाना, मतलब अगर NBFC है जो क्या है सर, अनलिस्टेड है, इसको भी DRR नहीं बनाना और इसको DRI भी नहीं बनाना। कितना आसान हो जाएगा, मैं आपको भी समझाऊंगा बेटा, इतना कुछ लिखा हुआ है, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए, बस इतना ही है, इतना ही है। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं समराइज करूंगा आपको। देखो सबसे पहले सर, सबसे पहले अगर मैं इसको समराइज करता हूं, समरी समरी, हाँ जी, सबसे पहले सर हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड अनलिस्टेड एनीथिंग सर, इसको ना तो DRR बनाना है ना DRI, पहली बात तो ये। सेकंड, अगर बैंकिंग कंपनी है सर, इसको भी कुछ नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना। देखो जो आपकी फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी हो, उनको कुछ नहीं करना होता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल राइट सर, ये बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। इसके बाद सर एक कैटेगरी आती है, किसकी सर, लिस्टेड और अनलिस्टेड की, हाँ या ना, हाँ। अच्छा, इससे पहले हम एक कैटेगरीशन करते हैं, किसका सर, हम करते हैं सर किसका, NBFC का, हाँ जी, और HFC, NBFC और HFC, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, NBFC और HFC में मैंने क्या बोला, या तो ये लिस्टेड हो सकती है, ऑल राइट सर, या ये अनलिस्टेड हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे HDFC होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आपको बताएंगे कि क्या वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, जैसे मुथूत फाइनेंस है, हाँ जी बिल्कुल, तो वो भी NBFC है, आपको बताएंगे क्या वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है सर, ये लिस्टेड ये अनलिस्टेड। अब मुझे एक बात बताओ, जो लिस्टेड है इसके लिए सर DRR तो बनाना ही नहीं है, DRR तो किसी को भी नहीं बनाना सर, DRR के रिक्वायरमेंट तो किसी के लिए भी नहीं है,
ना तो लिस्टेड के लिए और ना ही अनलिस्टेड के लिए। डीआरआर सिर्फ एक कंपनी को बनाना है, अदर अनलिस्टेड कंपनी। सर अगर डीआरआई की बात करते हैं तो डीआरआई बनाना है किसमें, लिस्टेड में, अनलिस्टेड में नहीं, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद सर एक आता है बाकी, हाँ जी बाकी कंपनी, अदर कंपनीज, या मैंने क्या लिखा, अदर कंपनीज, इसके अलावा जो अदर कंपनीज हैं, ठीक है। अब अगेन या तो वो लिस्टेड हो सकती हैं या वो अनलिस्टेड हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है कि सर या तो वो लिस्टेड होंगी या फिर अनलिस्टेड होंगी, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही। हाँ जी अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगेन सर अगर 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 अदर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी को डीआरआर तो बनाना ही बनाना है, कोई भी लिस्टेड हो ठीक है, और अनलिस्टेड के लिए तो बनाना ही है सर, अदर कंपनी अनलिस्टेड तो बनाना ही है, ठीक है। अब बात आती है सर किसकी, अरे मैंने यहाँ पे डीआरआर लिख दिया, डीआरआई बेटा डीआरआई, ठीक है डीआरआर, हाँ जी डीआरआर सिर्फ अनलिस्टेड को बनाना है, लिस्टेड को नहीं बनाना, सिंपल है बेटा। एक दो बार आप पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो देखो देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ नहीं, बैंकिंग कंपनीज कुछ नहीं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड में कोई भी लिस्टेड हो, डीआरआर नहीं बनाना, डीआरआई सबको बनाना, दैट्स इट। डीआरआर नहीं बनाना, डीआरआई सबको बनाना। अनलिस्टेड में क्या है सर, अनलिस्टेड में एनबीएफसी और एचएफसी, इनको कुछ नहीं करना है सर, छोटी कंपनीज होती है, हाँ जी बिल्कुल, एनबीएफसी और एचएफसी इनको कुछ नहीं करना, नहीं। इसके अलावा अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसको दोनों चीजें करनी है सर, डीआरआर भी और डीआरआई भी, सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। कि सर हुआ ये है कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, डीआरआई की, हाँ तो डीआरआई किसको बनाना है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, हाँ प्लस अदर अनलिस्टेड कंपनी, बिल्कुल सही। सर अगर हम बात करेंगे डीआरआर की तो सिर्फ एक कंपनी को बनाना है, दैट इज अदर अनलिस्टेड कंपनी, बस। मैंने कोशिश करी है आपको क्लास में ही याद करवाने की, हाँ जी बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं आपको इस चैप्टर का एमसीक्यूज करवाऊंगा, हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि सारा खेल इसी का ही है। डीआरआर की लिमिट, डीआरआई की लिमिट आपको समझ में आ गई, डेट आपको समझ में आ गई, हाँ। तो इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं वो क्या है, डीआरआर की लिमिट, ठीक है, उसकी डेट, ठीक है सर, डीआरआई की लिमिट, उसकी डेट, और सर ये कंपनीज। अब कुछ बच्चों ने बोला है सर सिंकिंग फंड आपने नहीं कराया, बेटा सिंकिंग फंड का जो टॉपिक है ना एक्चुअली में एनसीईआरटी में है नहीं और बहुत पहले हट गया था, राइट। तो सिंकिंग फंड अभी के लिए उसको साइड कर दो, अभी के लिए साइड कर दो, बाकी मैंने आपको इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ करवा दिया जो आपके सिलेबस में है, हाँ। सिंकिंग फंड मैं आपको सिलेबस जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंकिंग फंड क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं, समझाया ही नहीं हुआ है, तो उसके तो आना उसको नहीं आना चाहिए, बाकी मैं आपको फिर भी करवा दूंगा। लेकिन हाँ जितना मैंने करवाया है मैक्सिमम एमसीक्यूज जो आप कोई भी बुक खोलोगे आपको इसी चीज के मिलेंगे, 100% इसी चीज के मिलेंगे, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ना काफी कंफ्यूजिंग तरीके से गिवन होता है, तो मैंने कोशिश कर किया हर तरीके से इसको समराइज करने की। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बात है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। कॉमेंट करके मुझे बता देना कि क्या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 2 घंटे की वीडियो और ये छोटी सी वीडियो, दोनों को मिला के क्या आपको समझ में आ गया है, क्या आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं जो आपके बुक्स में है। टीएस ग्रेवल अगर आपके पास है तो उसके एमसीक्यूज आप ट्राई करोगे, डेफिनेटली सारे के सारे हो जाएंगे, उसमें सिंकिंग फंड का टॉपिक नहीं है, हाँ जी आप टीएस ग्रेवल के ट्राई करो आपके हो जाएंगे, मैं भी आपको क्लास में करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ ये क्लियर हो गया या नहीं हो गया है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।